आचार संहिता लगने से कुछ मिनट पहले 10 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का किया लोकार्पण। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। गौरतलब है कि यह सिविल अस्पताल 10 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाया गया है, जिसका आज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान 50 लाख की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का भूमि पूजन भी किया। साथ ही कहा कि यह अस्पताल एक साल के अंदर बनकर तैयार हुआ है, जिससे आसपास के कई गांवों के लोगों को इलाज का फायदा मिलेगा। लाहौर में सिविल अस्पताल का लोकार्पण और जिनके अथक प्रयास। सिविल अस्पताल जय जय श्री राम गोविंद राजपूत। अस्पताल का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासक के राजस्व एवं परिवहन मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के विशेष प्रयासों पर राहतगढ़ वासियों एवं युवा मोर्चा मंडल के द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत, जिन्होंने राहतगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावित्री से धन्यवाद देती हूँ। सभी से अनुरोध है मंच के सामने बैठने की व्यवस्था है। आप देखिए, राहतगढ़ सुरखी विधानसभा में ये बहुत बड़ा अस्पताल है। राहतगढ़ के करीब 100-200 गांव आसपास के यहाँ आते थे। यहाँ पहले स्वास्थ्य केंद्र था, इसके लिए हमने यहाँ सिविल अस्पताल खुलवाई। और सिविल अस्पताल में जो सुविधाएं बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ती हैं, ऑपरेशन थिएटर हो, अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, ओपीडी वगैरह की, इसे 10 करोड़ रुपया मंजूर किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक साल के अंदर इतना बड़ा भव्य सिविल अस्पताल बन के तैयार हो गया। अब इसमें डॉक्टर होंगे, ओपीडी होंगी, ऑपरेशन होंगे, समस्त सुविधा एक ये अस्पताल बन के तैयार है, लोगों को सुविधा का लाभ मिलना लगेगा। आचार संहिता लग चुकी है, क्या आगे रणनीति? आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव में जाने की जंग को तैयार है और जंग में हमारी पूरी टीम तैयार है। 10 करोड़ की लागत से बना है, 50 लाख रुपए हमने वोट दिए हैं। आज एक अभी और पैसे की आवश्यकता होगी तो और देंगे। स्टाफ तो यहाँ काफी है, लेकिन हम और बढ़ाएंगे। सिविल अस्पताल बनने के बाद अस्पताल में स्टाफ बढ़ता है, डॉक्टर बढ़ते हैं, डॉक्टरों की स्पेशल बढ़ते हैं, तो वो सब व्यवस्था हम करवाएंगे। मंत्री जी, आप चुनाव में जाएंगे, अब मुद्दे क्या रहेंगे? आपने काफी विकास तो मुद्दा विकास, मेहनत, जन जन से संपर्क और जन जन का सम्मान। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।